आई होप आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एसटीआर। एसटीआर का आपका स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है जबकि ये आपका एसटीआर का सिंबल है। ठीक है, एसटीआर क्या होता है? एसटीआर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें चार लेयर पी एन पी और एन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें तीन इनोड होते हैं, मतलब तीन टर्मिनल्स होते हैं जिसमें एक इनोड, दूसरा कैथोड और एक गेट टर्मिनल होता है। इसमें तीन जंक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें तीन जंक्शन होते हैं जो कि J1, J2 और J3। इस प्रकार से तीन जंक्शन होते हैं। ये एक जंक्शन हो गया, दूसरा जंक्शन ये हो गया और तीसरा जंक्शन ये हो गया। तो इसमें तीन जंक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें दो ट्रांजिस्टर से मिलकर हमारा एक SCR बनता है। ठीक है, जब हम PNP और NPN ट्रांजिस्टर को बैक टू बैक इसको कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे एक SCR का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर सिंबल दिखाया गया है जिसमें एक एनोड है, दूसरा कैथोड है और तीसरा गेट होता है। ठीक है, ये किस प्रकार से कंडक्शन करता है हम उसके बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि हम इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। एनोड को हम हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से और जो यहाँ पर कैथोड होता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर और भी क्लियर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को हम एनोड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब एनोड का जो पोटेंशियल होता है ये हायर होता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ठीक है, तो देखो जैसे ही हम क्या करते हैं कि एनोड और कैथोड के बीच में बैटरी को अप्लाई करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं जो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ये फॉरवर्ड बायस में हमारा J1 जंक्शन और जो हमारा J3 जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं। J1 जंक्शन और J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन पे इस J3 जंक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं और J1 जंक्शन के में होल्स के कारण यहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है जिसके कारण आपका J1 जंक्शन और J3 जंक्शन टूट जाता है। ठीक है, लेकिन इतना पावर नहीं होता है कि हमारे J2 जंक्शन को ये ब्रेक कर सके, ये बैटरी का जो वोल्टेज है ये ब्रेक कर सके, क्योंकि जो J2 जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस में चला जाता है क्योंकि यहाँ से ये नेगेटिव जुड़ा होता है। यदि हम इधर देखें तो ये पी नेगेटिव से जुड़ा होता है और यहाँ से हम देखें तो आपका एन जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा होता है। तो जब हम पी लेयर को नेगेटिव से और एन लेयर को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो हमारा जो डायोड होता है या जो डिवाइस होती है वो रिवर्स बायस में चली जाती है। तो यहाँ पर जो J1 जंक्शन है और J2 जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस में होते हैं लेकिन J2 जंक्शन जो है ये रिवर्स बायस में होता है जिस कारण से इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। हम इसको दो प्रकार से कंडक्शन कंडीशन में ला सकते हैं। एक तो हम वोल्टेज के मान को इतना ज़्यादा हम बढ़ाते जाएँ कि रिवर्स बायस का जो J2 जंक्शन है ये हीट होकर ये ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाए। ठीक है, या फिर हम गेट में एक छोटा सा पॉजिटिव पल्स हम अप्लाई करके हम J2 जंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यदि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो एक समय J2 जंक्शन टूट जाएगा लेकिन हमारे पावर का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम कम पावर वाला यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट करके हम यहाँ पर कम पावर के बैटरी को कनेक्ट करके हम J1 और J2 जंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं और कुछ समय के लिए यहाँ पर पॉजिटिव पल्स अप्लाई करके हम J2 जंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा जो SCR है वो कंडक्शन कंडीशन में आ जाता है। हमारे तीनों J1, J2 और J3 जंक्शन ब्रेक हो जाते हैं और इस प्रकार से हमारा जो SCR है वो कंडक्शन करने लगता है। ठीक है, पॉजिटिव पल्स अप्लाई करने पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज आ जाने से यहाँ पर इस जंक्शन पे फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ के पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं उनको रिपल करते हैं जिससे हमारा J2 जंक्शन ब्रेक हो जाता है। इस प्रकार से तीनों जंक्शन के ब्रेक होने से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी।